ओके, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव होता है, सेमर कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड मैसलसंस एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स की बात करें, तो इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स टू पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल जो डीएनए होते हैं, बोथ जो पेरेंटल डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट सेपरेट होते हैं एंड ईच ऑफ दोज स्ट्रैंड देन सर्व एज ए टेम्पलेट। इसमें बोथ जो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों जो पेरेंटल जो स्ट्रैंड है वो सर्व करते हैं एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड के तरह, क्या करते हैं, सर्व करते हैं एंड सिंथेसाइज करते हैं एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड को, क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो मान लो ये पेरेंटल जो स्टैंड है, इन्होंने क्या किया, न्यू जो स्टैंड है उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो ईच जो पेरेंटल जो स्टैंड है वो एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट स्टैंड और क्या करता है, एक न्यू डीएनए स्टैंड को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो द रिजल्ट इज टू डीएनए डबल हेलिक्स बोथ ऑफ विच कंसिस्ट वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो इससे दो डबल स्टैंडर्ड क्या हो रहे हैं, डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है और ईच दो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए, इसके अंदर क्या है, एक पेरेंटल डीएनए स्टैंड है, एक न्यू स्टैंड है, एक पेरेंटल स्टैंड है और सेकंड कौन सा है, न्यू स्टैंड फॉर्म होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ की बात करें, रेप्लिकेशंस की बात करें, मॉडल्स की बात करें, तो इसमें जो पेरेंटल जो स्टैंड है, दोनों जो स्टैंड है वो सेपरेट होते हैं, दोनों एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट और क्या करते हैं, और न्यू स्टैंड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक पेरेंटल डीएनए स्टैंड होता है और एक कैसा होता है, न्यू स्टैंड फॉर्म करता है। तो आफ्टर दी फर्स्ट रेप्लिकेशन दो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलते हैं और इनमें एक जो स्टैंड होता है वो कैसा होता है, पेरेंटल स्टैंड होता है और एक कैसा होता है, न्यू स्टैंड होता है। जैसे अब आफ्टर दी सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, आफ्टर दी सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एक जो है वो क्या करेगा, आपके पेरेंट का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, आपके न्यू स्टैंड का काम करेगा। तो आफ्टर दी सेकेंड जनरेशन क्या होगा, ईच जो स्टैंड है वो फिर से सेपरेट होंगे, एक जो स्टैंड है वो पेरेंट का काम करेगा और न्यू स्टैंड को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट जो मॉडल है डेट इज कंजर्वेटिव मॉडल। इन कंजर्वेटिव मॉडल आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन टू टोटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म। जब फर्स्ट पेरेंटल जो डीएनए उसके अंदर एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंडेड रेप्लिकेशन हमें क्या मिलते हैं, दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलते हैं इन विच वन डॉटर मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एंड वन अदर डॉटर सेल्स। की एक जो पेरेंटल जो स्टैंड है, एक जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, इसके अंदर क्या होता है, जो बोथ जो स्टैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरेंटल्स होते हैं, वाइल एक जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, बोथ जो स्टैंड है वो कैसे होते हैं, न्यू स्टैंड फॉर्म होते हैं। इस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। आफ्टर दी सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन तो इसमें एक जो कॉपी है वो कैसी होगी, पेरेंटल कॉपी होगी और बाकी क्या होगी, आपकी जो न्यू जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होंगे वो न्यू क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे जो पेरेंट्स से क्या होंगे, आपके डिफरेंट क्या होंगे, आपके स्टैंड होंगे। थर्ड हम बात करें डिसरप्टिव मॉडल की बात करें, तो इन डिसरप्टिव मॉडल्स जो पेरेंटल जो डुप्लेक्स हेलिक्स है इज ब्रोकन इंटू दी डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट। इसमें जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है, पेरेंटल जो डीएनए होता है, इसके अंदर क्या होता है, वेरियस सेगमेंट के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, देन जीज सेगमेंट रीअसेम्बल्ड इनटू दी कंप्लीट डीएनए हेलिक्स ईच विज पेरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, पहले जो पेरेंटल जो डीएनए स्टैंड होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इंटू सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, देन ईच जो सेगमेंट है उसके अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन अकर होता है। आफ्टर दी रेप्लिकेशन जो ईच जो सेगमेंट्स है वो क्या होता है, आपके फिर से रीअसेंबल्स होते हैं, और आफ्टर दी रीअसेंबल्स ईच जो स्टैंड होता है, जैसे एक जो स्टैंड होता है उस पेरेंटल स्टैंड की बात करें, न्यू स्टैंड की बात करें, दोनों के पास क्या होते हैं, आपके न्यूली सिंथेसाइज क्या होते हैं, डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन मोड इज कॉल्ड डिसरप्सिव मोड। तो तीन मोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक है सेमी कंजर्वेटिव मोड, और सेकंड होता है
कंजर्वेटिव मोड और थर्ड होता है डिस्पर्सिव मोड, बट जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो रेप्लिकेशन मोड से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है जो एक्सप्लेन बाई है मेसेंसल स्टाल एक्सपेरिमेंट। जो मेसेंसल जो स्टाल एक्सपेरिमेंट है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को। तो तीन टाइप के क्या थे, कंजर्वेटिव मॉडल्स थे।